हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक ऐसे शो से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जो कि आपको 80s और 90s के इंडिया में ले जाएगा। एक बिल्कुल ही नया जॉनर है वेब सीरीज की दुनिया में, जो आपने शायद ही कभी देखा हो। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूँ सोनी लिस्ट पे आए ब्रांड न्यू शो स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी की। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, लास्ट में आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू, देखते हैं कि वेब सीरीज कैसी है और आपको देखना चाहिए या नहीं। ये कहानी है हर्षद शांतिलाल मेहता, बिग बुल हर्षद मेहता की। कैसे मुंबई में रहने वाला एक साधारण इंसान स्टॉक मार्केट और मनी मार्केट के थ्रू इंडिया का हाईएस्ट एडवांस टैक्स पेयर बन जाता है। ये वेब सीरीज एक बुक पे बेस्ड है जिसका नाम है द स्कैम, जो लिखी है सुचिता दलाल और देवाशीष बासु ने। ये वही जर्नलिस्ट है जिन्होंने हर्षद मेहता के स्कैम का पर्दाफाश किया था। सीरीज की शुरुआत हर्षद मेहता के स्ट्रगल से होती है, जहाँ वो स्टॉक मार्केट में एंट्री करता है और वो समझ जाता है कि ये उसका एरिया है। तो वो धीरे धीरे उसमें ग्रो करता है और अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना लेता है। ट्रेडिंग अकाउंट चालू करने का टाइम आ गया। और ये नौकरी? मैं यहाँ नौकरी करने थोड़ी आया था। धीरे धीरे हर्षद स्टॉक मार्केट में और ग्रो करने लगता है और अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी खोल लेता है, जिसका नाम रखता है ग्रोमोर। उसे लोग कई नामों से भी जानने लगते हैं। मैन ऑफ इंटीग्रिटी, बीएससी का बच्चन है बच्चन। हर्षद इज अ हीरो। कुछ ही सालों में हर्षद स्टॉक मार्केट में अपना रुतबा और दबदबा बना लेता है और बहुत तरक्की करता है। हर्षद शेयर मार्केट को अपनी दुनिया बनाने में लगा था और धीरे धीरे उसकी ये दुनिया बड़ी होने लगी थी। अब दौड़ना भागना नहीं है, सीधा छलांग लगानी। तरक्की के साथ साथ हर्षद के कई दुश्मन भी बनते आते हैं, जिसके कारण एक दिन ऐसा आता है जो हर्षद की दुनिया ही पलट देता है। हेलो, इट इज इंडियाज बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम। इसके बाद मानो हर्षद की दुनिया ही बदल जाती है। उसके स्कैम धीरे धीरे डिस्क्लोज होने लगते हैं और यहीं से उसे पतन की शुरुआत हो जाती है। तो ये है बेसिक प्लॉट इस सीरीज का। तो चलिए बात करते हैं इसकी कास्ट। हर्षद मेहता का रोल प्ले किया है प्रतीक गांधी ने, जो कि एक गुजराती थिएटर आर्टिस्ट हैं। उनने ये रोल बखूबी निभाया है और इस कैरेक्टर में एक नई जान डाल दी है। मेरे हिसाब से तो 2020 में वेब सीरीज की दुनिया में ये अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। सुचिता दलाल का रोल प्ले किया शेया धन्वंतरी ने। बाकी कास्ट ने भी छोटे छोटे लेकिन बहुत अहम रोल प्ले किए हैं। बात की जाए अगर डायलॉग्स की, तो डायलॉग्स के मामले में तो ये वेब सीरीज टोटली डोमिनेट। लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है लाला। ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट। और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तेरी धन राशि पे शनि बहुत भारी है भाई। जब जेब में मनी हो ना, तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी। बस लाला, तो आराम से सांस ले ले, हवा का रुख बदलने वाला है। देखो मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूँ धमाका करने के लिए। इस वेब सीरीज में बहुत ही बखूबी तरीके से 80s और 90s के इंडिया को रिक्रिएट किया गया है। छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स पे भी ध्यान दिया गया है। ओवरऑल ये वेब सीरीज बहुत धमाकेदार है। 2020 की अब तक की हाईएस्ट रेटेड वेब सीरीज है विद 9.6 आईएमडीबी रेटिंग। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, आपकी जो भी राय हो इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। पवन का लग जा